तो यार गाइस फाइनली अपना जो मेरा जो फास्ट टैग था वो उसमें बैलेंस लो था, और अभी मैंने उसको ऐड किया तो थोड़ा सा टाइम लग गया, ये बोल रहे थे उसमें बैलेंस नहीं। मैंने कहा यार अभी तो मैंने ऐड किया तो बैलेंस क्यों नहीं है। खैर हो गया अभी, सो लेट्स गो। ले लिया यहाँ पे, सिलेंडर वगैरह मेरे पास है छोटा, तो मैगी वगैरह बनाऊंगा यहाँ पे मस्त मज़े से। तो चलते हैं। Hey guys, how are you all? Hope you all are fine guys and welcome back to another video. मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरा सडनली प्लान बना है एक ट्रिप के लिए, जो कि मेरा रात को प्लान बना था, और मैं खुद इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि यार मैं ये फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मतलब जब से मैं ये यूट्यूब वगैरह मैंने स्टार्ट किया तो मेरा जो इतना दूर का ट्रिप ये फर्स्ट टाइम है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि यार मैं बाइक लेके जाऊँ या गाड़ी लेके जाऊँ। तो ओवरऑल आपको पता है ये फैमिली को भी देखना पड़ता है, तो मैंने अभी फैमिली की भी बात सुनी है, तो फैमिली ने यही चीज़ बोला कि यार तू फर्स्ट टाइम जा रहा है तो फर्स्ट टाइम जो है गाड़ी वगैरह ले जा, क्योंकि सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं कैंपिंग वगैरह करने वाला हूँ। तो मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ कि यार आज के लिए मैं सोच रहा हूँ गाड़ी लेके, लेकिन मुझे पता है जो यार जो मज़ा बाइक के ऊपर आता है वो गाड़ी के ऊपर नहीं। फैमिली के लिए आपको पता है फैमिली को देखना पड़ता है और उनके हिसाब से चलना पड़ता। सो यार अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट को जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं गाड़ी में, तो चलो यार चलते हैं। लोकेशन मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, लोकेशन मैं आगे चल के थोड़ा आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो मेरा ट्रिप रहेगा ये काफ़ी लंबा रहने वाला है, मेक श्योर कि काफ़ी लंबा रहेगा और सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। दूसरी बात ये है कि यार मे बी इसके अंदर मैं कैंपिंग वगैरह करने वाला हूँ, और कैंपिंग होगी दैट्स वाई गाइज मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अदरवाइज मैं बाइक पे जा सकता था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कैंपिंग के लिए। अगर इन बिटवीन कैंपिंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सो दैट कि मैं गाड़ी में एडजस्ट कर सकता हूँ, दैट्स वाई। सो लेट्स गो गाइस। अपनी जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो रही है यहीं से ही। अभी जो टाइम है मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं, और ज़्यादा नहीं तो 350 किलोमीटर गाड़ी मुझे चलानी पड़ेगी। और अभी 10:30 हो रहे हैं, तो शाम को आप लगा के चलो अगर ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता है तो भी पहुंच जाऊंगा मैं कोई 7-8 बजे के बीच में, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। अगर मन में फील ये हो रहा है कि यार मैं बाइक लेके नहीं निकल सका, एक्चुअली यार बाइक लेके इसलिए नहीं निकला, घर वालों का भी सुनना पड़ता है। घर वालों ने बोला कि यार तू फर्स्ट टाइम जा रहा है सो बाइक छोड़, गाड़ी दे जा, अगर तेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा नेक्स्ट टाइम से बाइक लेके जाइयो, ऐसा कोई सीन नहीं। सो देखते हैं गाइस, चलो फिर चलते हैं, आप लोग भी इंजॉय करो और मैं भी इंजॉय करूँ। फाइनली अपना जो मेरा जो फास्ट टैग था वो उसमें बैलेंस लो था, और अभी मैंने उसको ऐड किया तो थोड़ा सा टाइम लग गया, ये बोल रहे थे उसमें बैलेंस नहीं। मैंने कहा यार अभी तो मैंने ऐड किया तो बैलेंस क्यों नहीं है। खैर हो गया अभी, सो लेट्स गो। Oh,
गाइस मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मुझे कुकिंग के लिए खाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल वगैरह खाना वगैरह लेना था, तो मैंने वहाँ से लिया नहीं अपने मार्केट से। अब यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ पे पूरी मार्केट है जो क्लोज है आज, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी रास्ते में मैं रुका हूँ, एक्चुअली पानी वगैरह का थोड़ा करना पड़ता है, पानी वगैरह भी साथ में रखना पड़ता है, तो इसलिए साथ में रुका हूँ। अभी क्या है कि बॉटल्स मेरे पास और भी पड़ी हैं, मैं वो भी भर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहाड़ी एरिया में इस तरह से ये नज़ारे होते हैं, जो पानी होता है ना, इस तरह से बहुत जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको भर लेता हूँ। वो बहुत ठंडा पानी है यार। पानी वगैरह भर लिए मैंने, अभी एक दो बोतल और हैं वो भी मैं भर लेता हूँ फटाफट। यार मेरे पास बहुत सारी बोतल हैं, एक मैंने वो वाले हाथ में भी पकड़ी हुई है, तो ये सारी भर लूँगा पहले, फिर आगे चलता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कुक करने वाला हूँ मैगी। सामान वगैरह मैंने सारा ले लिया, यहाँ पे सिलेंडर वगैरह मेरे पास है छोटा, तो मैगी वगैरह बनाऊँगा यहाँ पे मस्त मज़े से, तो चलते हैं। सारा मैंने वहाँ पहुँचा दिया है, अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे मैगी बनाने वाला हूँ मस्त से। भूख ज़्यादा लग रही है, टाइम ज़्यादा हो गया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा। चलो आप भी देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना। अच्छा। तो
गाइस मैगी अपनी बन के रेडी है, आप देख सकते हो ये मैंने बनाई है चीज़ मैगी, और चीज़ मैगी बना ली है। अब देखते हैं क्या टेस्ट रहने वाला है। सब खा लिया अभी, यहाँ से जितना भी गंद वगैरह है वो सारा उठा के सफाई करके फाइनली आधा सामान गाड़ी में रख दिया। अब रह गया सिलेंडर, इसको उठाऊंगा और लेके जाऊंगा। यार ये मैंने आपको एक पूरा व्यू दिखाया है यहाँ का, जो व्यू है होप कि आपको अच्छा लगे। तो यार जब भी आप यहाँ किसी तरह से कहीं भी रुकते हो तो सबसे पहले चेक कर लो कि आपकी सारी चीज़ें आपके साथ हैं या नहीं है, क्योंकि जैसे अभी मेरे को वापस आना पड़ रहा है। मेरी जो गाड़ी की है रखी थी मैंने यहाँ, मैं मिल गई मुझे, नहीं तो यहाँ पे खज्जल होना पड़ता। थोड़ा कोविड की वजह से कुछ इशू हो गया था, मैं जहाँ मुझे जाना था जहाँ पर मेरा टेंट वगैरह बुक था तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया मैं, क्योंकि कोविड का रीज़न था और काफ़ी लेट हो गया था मैं। तो फाइनली यार मुझे होटल से अब मैं होटल में हूँ, और चाहता है यार कि होटल के अंदर ही बुकिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार मैं तो बाहर से मेरा कटपता सब कुछ नहीं हुआ, काफ़ी अच्छे यहाँ पे होटल मुझे मिल गया आराम से, और बुकिंग वगैरह मैं वहाँ पे कर पा रहा हूँ, क्योंकि सामान वगैरह सारा था मेरे पास लैप है वहीं। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, अभी टाइम जो हो रहा है रात के 11:30 बज रहे हैं, तो खाना बनाते बनाते ऑलमोस्ट 1 बज जाएगा मुझे लग रहा है आज का। ये दिखाता हूँ आपको, फाइनली ये डिसाइड किया था कि जाएंगे कैंपिंग वगैरह करेंगे, बट कैंपिंग वगैरह के लिए पूरा रेडी था, कुछ कोविड की वजह से सीन ऐसा खराब हो गया जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो फाइनली होटल लिया है, कैंपिंग जैसा मज़ा ही हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि कैंपिंग के अंदर मेन क्या होता है कुकिंग वगैरह, तो कुकिंग हम होटल के अंदर भी कर पा रहे। अब देख ही लो कुकिंग तो यहाँ पर भी चल रही है। तो गाइज यार अभी मैंने पूरा प्रिपरेशन वगैरह सब हो गई है, चिकन वगैरह डाल दिया है, अब बस ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का काम है, सब रेडी हो जाएगा। लेकिन आज का जो दिन था ना वो बड़ा ही खतरनाक यार।
कहाँ चले गए पांडा। ये मेरी जो ट्रिप है इसका जो पहला ब्लॉग है वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है बट यार ये मेरा एक फर्स्ट ब्लॉग था जो कि मैं आउटिंग के लिए आया हूँ और फर्स्ट टाइम ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ बाहर की यूट्यूब पे। सो अभी कंटिन्यू करूँगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग मॉर्निंग से नए फ्रेश ब्लॉग के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है सो मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।